हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सेलेक्ट टू लर्निंग अड्डा में। तो आज प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं संधारित्र के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए, है ना। आज हम उसी पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर जो है आपका प्रकार में, वो आपका क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप फटाफट, आपको पता है ना क्या क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई संधारित्र के प्रकार पर। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक हमारे पास क्या होता है, गोलीय गोलीय चालक होता है, उसको आवेश दिया जाता है तो उसके अंदर आवेश स्टोर होता है। तो हमने पढ़ लिया था पिछले वाले लेक्चर में, गोलीय आवेश चालक के कारण कितना धारिता आया, ठीक है, और उस पर हमने न्यूमेरिकल पर बात किया था। अब हमारा जो अगला नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो किस पर होने वाला है बताइए, संधारित्र के प्रकार पर, किस पर होने वाला है, संधारित्र के प्रकार पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर हमारा जो पहला हेडिंग है ना, यानी कि पहला टाइप, वो आपका क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। अगर आपसे कोई पूछ ले ना संधारित्र के प्रकार कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बस मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखो पहला आपका क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र, और दूसरा क्या है, गोलीय संधारित्र। ये वाला केस मैंने सेकेंड वाले पहले वाले इससे पहले वाले लेक्चर में किया था। अब बात करें थर्ड नंबर, ये बेलनाकार संधारित्र है, ठीक है, और फिफ्थ नंबर फोर्थ पे वैद्युत अपघट संधारित्र, और यहाँ पर आपके क्या पास क्या है, परिवर्तित संधारित्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी संधारित्र हैं सबका अपने आप में एक अलग अलग वर्क होता है, ठीक है, सबको है ना अलग अलग जगह वर्किंग करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या है कि भाई पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गोलीय संधारित्र है, तो हम इस दोनों पर ज़्यादा काम करेंगे। और ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि भाई संधारित्र के प्रकार में दो नहीं होते, और भी होते हैं, यहाँ पे तो पांच मैंने लिखा है, इससे भी ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहला और कौन सा है, दूसरा है, जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे किस पर, समांतर प्लेट संधारित्र पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक एक काम करो, नोट कर लो, ठीक है। ठीक, देखिए अब हम बात करने वाले हैं किस पर, समांतर प्लेट संधारित्र पर। ये कैसे बनाते हैं और इसको हम क्यों कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, अब हम इस पर बात करने वाले हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो हमारे पास दो स्टैंड होते हैं, क्या होते हैं, दो स्टैंड होते हैं, क्या होते हैं बोलो, दो स्टैंड होते हैं, ठीक है, कितने स्टैंड होते हैं, दो, ठीक है। इन स्टैंडों से, ये हमारे पास दो स्टैंड है, ठीक है, कितने स्टैंड है, दो, इन स्टैंडों से है ना दो प्लेटें जुड़ी होती हैं, कितनी प्लेटें जुड़ी होती हैं, दो, कितनी होती हैं बोलो, दो प्लेटें जुड़ी होती हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास क्या है, स्टैंड है, स्टैंड, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये है ना, ये वाला प्लेट किसी है ना चालक तार द्वारा एक स्वर्ण पात्र होता है, यहाँ पर उससे जुड़ा होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, ये वाला जो सेकेंड वाला होता है ना, ये वाला प्लेट, ये आपका पहला प्लेट है और ये आपका दूसरा प्लेट है, मान लो आपका ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, ठीक है। जब इसको आवेश दिया जाता है, आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश, कौन सा आएगा, प्लस आवेश, और प्रेरण के कारण इस पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस आवेश आएगा। इधर माइनस पूरी तरह से तब होगा जब इसकी है ना अर्थिंग किसी किससे कर दिया जाए, पृथ्वी से कर दिया जाए। तो चलो इसी स्टैंड के सहारे, ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं किससे, अर्थ से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं बोलो, किससे जोड़ते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं, ठीक है जी। समझ में आया कि नहीं आया, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे खींच लो तार, ठीक है, ऐसे ऐसे करके साइड में आप यहाँ पर किससे जोड़ दो, इसको अर्थ से जोड़ दो, अर्थिंग कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, जितने भी प्लस चार्ज होंगे ना सबको ये खींच लेगा। अब सुनो हमारे पास कितने प्लेट होते हैं, दो, एक एक्स प्लेट होता है, एक वाई प्लेट होता है, ठीक है। इन दोनों प्लेटों को हम दो स्टैंड से जोड़ देते हैं और इनको इस तरह से रखा जाता है कि समांतर हों, कैसे हों, समांतर हों भाई, कैसे हों बोलो, समांतर हों, ठीक है, समांतर हैं,
तो इस टाइप के संधारित्र को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, क्यू आवेश मैं दूंगा, क्या दूंगा, क्यू आवेश। ठीक है, तो अगर इनके बीच का कोई माध्यम हो, है ना, इनके बीच में कोई माध्यम भर दो, के परावैद्युतांक का, कितना, के परावैद्युतांक का। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, इसी का धारिता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसी का धारिता निकालेंगे, कितना इसके अंदर हम आवेश स्टोर कर सकते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है ना, उस चीज़ को हम क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के ना बात करते हैं इसी पर। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आपको क्लियर रहना चाहिए। ये किससे ज्वाइंट होगा, स्वर्णपात्र से, और ये पृथ्वी से। अगर आप ये नहीं बनाते हो ना, पृथ्वी से नहीं जोड़ते हो, तो गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा बोलो, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, है ना, इसको किससे जोड़ देना, स्वर्णपात्र से और इसको अर्थ से। चलिए इधर का आपने ऐसे कर दिया, इसको नहीं जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वाले प्लेट को किससे जोड़ना पड़ेगा, पृथ्वी से। या आप कुछ जगह इसके डायग्राम को है ना ऐसे भी बना देते हैं, तो आप है ना निश्चिंत रहें, आप ये ना सोचें कि सर गलत हो गया डायग्राम ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कह देंगे प्लस का आवेश है, ठीक है, और यहाँ पे कैसा आवेश है, माइनस का आवेश है। ठीक है, और इनके बीच में कोई माध्यम भर देंगे, वो माध्यम आपका क्या होगा, के परावैद्युतांक होगा। कुछ भी भर देंगे, पानी भर सकते हैं, है ना, कोई तेल भर सकते हैं, या कुछ और भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम चले इसके धारिता निकालने, क्या निकालने, धारिता। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने तरफ से बना के लिख लेना, दो स्टैंड है, दो स्टैंड से दो प्लेटें जोड़ी गई हैं जो समांतर रखी गई हैं। इस तरह से जो संधारित्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, इसके डायग्राम को ऐसे भी बनाएंगे ऐसे, और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, आगे चल करके ऐसे करके, तो आप ये भूलना मत। ठीक है, ये दोनों डंडे आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए, हेलो प्यारे बच्चों, बात करने वाले किस पर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको बिल्कुल है ना टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आराम से आ जाएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, आइए सीखते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सर एक समांतर प्लेट बना लो। लो हमने बना लिया, मान लिया इसकी बात। ठीक है, ठीक है, हमारे पास दो समांतर, मतलब एक प्लेट ये है, एक ये है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। इनके बीच की दूरी कितना मान लेते हैं, डी है। प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, ए। ठीक है, ये इधर, और ये किससे जुड़ा होगा, पृथ्वी से। किससे जुड़ा होगा बोलो, पृथ्वी से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, पृथ्वी से। अब हमें क्या करना है ना, ध्यान से सुनना, अब हमें क्या करना है ना कि इसको आवेश देना है। किसको आवेश देना है, एक्स को। जब इसको आवेश दिया जाएगा, ठीक है, तो एक समान रूप से धनावेश वितरित हो जाएंगे, और प्रेरण के कारण इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। अब देखो आवेश किस में फैला है, क्षेत्रफल में, तो इस पर जो आवेश घनत्व तो आएगा ना प्लस का सिग्मा होगा, और इस पर जो आवेश आएगा ना वो माइनस का सिग्मा घनत्व होगा। ठीक है, इस पर ऋण आवेश आया तो इस पर जो कौन सा घनत्व तो आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ बातें आप लिख लीजिए। लिखो, माना एक्स वाई दो समांतर प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी डी है तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है। इनके मध्य के परावैद्युतांक भरा हुआ है। इनके मध्य के परावैद्युतांक भरा हुआ है। देखो, जब प्लेट एक्स को है ना धन आवेश, मतलब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो एक्स पर एक समान रूप से धनावेश वितरित हो जाते हैं तथा प्रेरण के कारण वाई प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है। क्या आता है, ऋण आवेश। ठीक है, क्या आता है, ऋण आवेश। ठीक है, देखो, तथा ऋण आवेश आ जाता है तथा एक्स प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा वाई पृष्ठ पर माइनस सिग्मा आवेश घनत्व होता है। ठीक है, तब आवेश घनत्व
या तब पृष्ठीय आवेश घनत्व, चलो आवेश घनत्व लिख देता हूँ, समझ जाओगे। ठीक है, घनत्व यानी कि किससे शो करेंगे, सिग्मा से। यहाँ पे चेक करो आवेश किस में फैला है, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल से आवेश में क्या करना पड़ता है, डिवाइड, क्या करना पड़ता है, डिवाइड। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे धन आवेश है, यहाँ पे कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, किस किधर से किधर, प्लस से माइनस, किधर से किधर, बोलो, प्लस से माइनस, बोलते रहा करो यार, प्लस से माइनस। तो हम लिखेंगे प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य उत्पन्न उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ई बराबर कितना आएगा, बोलो आप अच्छे से, ई बराबर कितना आएगा, नहीं भूल गए क्या, अरे यार सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, ये किसी के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है तो किससे डिवाइड कर देंगे, अगर वायु माध्यम होता तो यहाँ पे क्या लेते हैं, निर्वात, ठीक है। सिग्मा का मान रख दो उठा के, सिग्मा का मान ये है क्यू अपान ए, क्यू अपान ए, तो पहले ये लिख लो जो लिखा है, के एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान कितना, क्यू अपान ए, तो क्यू अपान ए हो गया, ठीक है। अब देखो, जब जब वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा ना, एक पे धनावेश हो एक पे ऋणावेश, तो उनके मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य उत्पन्न, क्या उत्पन्न, उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, कितना आएगा, V बराबर E इंटू, आपने पढ़ा था, E इंटू इनके प्लेटों के बीच की दूरी, D, अब याद रखेंगे, ठीक है। एक विभव प्रवणता था, आपने पढ़ा होगा, E बराबर क्या होता है, V अपान डी वी अपान डी आर होता है, तो डी डी हटा दिया जाए तो वी अपान कितना आ जाएगा, आर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो वी बराबर कितना मिल जाएगा, ई आर, ठीक है। तो ये वहाँ से आया। अब सुनो आप यार, देखो क्या करना है, ई का मान रखना उठा के, ये वाला मान यहाँ पे उठा के रख दो, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से, ई का मान रखो उठा के, तो बी बराबर, ठीक है, कितना मिला, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, इनटू ऊपर क्या रहेगा, डी। अब आप क्या करोगे ना, इसको इधर नीचे बुला लो, इसके नीचे वी अपान कितना, क्यू बराबर, और ये डी ऊपर चला जाएगा, डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। अब आप कहोगे सर क्या करना चाहते हो आप, तो देखो धारिता जो होता है ना, सी बराबर क्यू अपान वी होता है, धारिता बनाने के लिए ये काम मुझे करना पड़ेगा, यानी कि क्यू अपान वी लाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, वी अपान क्यू, तो आप कह दो सर पलट दो इसे, पलटने पर, ठीक है, तो क्यू अपान वी ये ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या, डी, और इसी का क्या नाम है, सी, इसी का क्या नाम है, सी, तो सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या, डी। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब इसके अंदर कोई के परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें निर्वात या वायु के लिए, या वायु के लिए, तो आप कहेंगे सर के का मान कितना उठा के पटक दो, वन, यहाँ पर रखेंगे तो सी का मान कितना आएगा, बोलो, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान कितना, डी, अरे के का मान वन हो गया ना, तो कितना गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपान कितना आया, डी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा देखो, इसको हम सी नॉट से डिनोट करेंगे, निर्वात के लिए जो धारिता आएगी किससे डिनोट करेंगे, सी नॉट से। एक बार आप फिर से देख लो, मतलब जब हम आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा उत्पन्न होगा तो दोनों के लिए सेम होगा, कितना आएगा, क्यू अपान ए आएगा, ठीक है, क्यू अपान कितना आएगा, ए। अगर हम बात करें जब भाई इस पे प्लस का आवेश आया इस पे माइनस, तो अंदर ही अंदर क्या बनेगा, वैद्युत क्षेत्र, क्या बनेगा, वैद्युत क्षेत्र, इस क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर वायु या निर्वात माध्यम नहीं है कोई अन्य माध्यम है, तो नीचे हम किससे भाग कर देते हैं, परावैद्युतांक से कर देते हैं, ठीक है। सिग्मा का मान रख दिया, क्यू अपान कितना हो गया, ए। अब हम जानते हैं भाई, जब एक सिरे पर है ना प्लस का हो, दूसरे सिरे पर माइनस का हो, तो उनके बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो बी बराबर क्या आएगा, ई इंटू डी आएगा, बी बराबर क्या आएगा, ई इंटू डी। और अब देखिए ध्यान से, ई का मान उठा के रख दो यहाँ पे, ई का मान यहाँ पे रख दो, क्यू, अरे देखो ना यार ये मान है, ये उठा के यहाँ पे रख दो, क्यू के एप्सिलॉन नॉट ए, और इंटू में क्या रहेगा, ये डी। अब हम क्या करेंगे ना, क्यू को इधर भेज देंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सी बराबर क्यू अपान वी, तो क्यू और वी को एक साइड में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी अपान क्या आया, क्यू, अरे कैसे आया, इसको इधर नीचे भेजा,
ठीक है, ये आ गया और ये डी यहाँ पर आ गया, डी के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। और इसको हमने पलट दिया एक बार, क्यू अपॉन वी, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सी होता है, तो इसकी जगह क्या लिख लिया, सी, ठीक है। के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या, डी। अगर निर्वात या वायु के लिए बात करें तो के का मान कितना होगा, वन, कितना होगा, वन। तो यहाँ से आपके पास सी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे देखो ना, के का मान कितना रख लेंगे, वन, तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अच्छा, आपसे एक बात किया जाए कि सर बताइए सी है ना किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख लो, ये ध्यान रखना, ये इसके बाद का पार्ट है, ठीक है। तो सी के पर निर्भर करने वाला है, तो आगे बात यही करने वाले हैं, जो सी है ना वो किस पर निर्भर करेगा, के पर, और सी एप्सिलॉन नॉट पर तो करेगा नहीं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट होता है, और किस पर करेगा बोलो, ए पर करेगा, और किस पर करेगा, डी पर करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप इतना नोट कर लें, ठीक है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं समांतर प्लेट की जो संधारित्र की धारिता आई थी ना, वो किन किन कारकों से है ना प्रभावित होती है, यानी कि निर्भर करती है। प्रभावित की जगह अगर निर्भर आ जाए तो वो भी ध्यान रखना। तो देखो, फॉर्मूला भी जो आया था, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान कितना आया था, डी। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो ना, सी जो है ना माध्यम परावैद्युतांक पर निर्भर करता है, माध्यम के, पहला पॉइंट किस पर निर्भर करता है, माध्यम के परावैद्युतांक पर, माध्यम के परावैद्युतांक पर, परावैद्युतांक पर निर्भर करता है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो सी अनुक्रमानुपाती क्या, के, ठीक है। तो इससे आप क्या कह सकते हो, कहोगे सर परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा धारिता का मान उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड चीज, ठीक है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो देखो सी जो है ना वो डिपेंड करेगा किस पर, ए पर। एरिया जितना ज़्यादा होगा सी का मान भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। और यहाँ पर के का मान जितना ज़्यादा होगा उतना सी का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। और थर्ड नंबर पर आपका आ जाएगा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी की अगर हम बात करें, ठीक है। तो देखो जो सी है ना वो डिपेंड करेगा वन अपॉइंट डी पर, है ना, यानी कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो धारिता का मान क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो आप इतना पॉइंट आपको नोट करना है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, चलिए।